लोग सुपर पावर बनने की बात करते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनेगा जल्दी, जिस तरह की कंपैरिजन होते हैं अमेरिका चाइना से, लेकिन 21st सेंचुरी में भी हम जिस तरह की बातें करते हैं कि साफ सफाई रखना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि या जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है साफ सफाई के बारे में, आपको क्या लगता है हम इतने पिछड़े हुए नहीं है क्या कि किसी सदी में भी साफ सफाई के बारे में अभी भी हम बात कर रहे हैं जो 100 साल पहले गांधी जी बोलते थे, आज भी हम वही बोले जा रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इस बारे में आपका थॉट क्या है? तो ये बात सही तो है कि थोड़ा तो एम्बैरेसिंग हो जाता है जब हम किसी भी देश में जाएं, चाहे उनकी प्रगति हो चाहे नहीं हो, कैसा भी देश हो, लेकिन एक बेसिक जो हाइजीन है वो इतना जैसा इंडिया में देखने को मिलता है शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिला जाए, क्योंकि काफ़ी गंदगी होती है देखने में, और सिर्फ बड़े शहरों में ही छोटे शहरों में भी यही हाल है। तो आई रियली डोंट नो इसका क्या रीज़न हो सकता है, कई चीज़ों में हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, लेकिन अब उसके बारे में ना सोचते हुए, उस पर ना ज़्यादा विचार करते हुए उसके बारे में क्या किया जा सकता है, उस पर विचार करने में ज़्यादा हमारी भलाई है, कैसे पीछे रह गए, क्यों पीछे रह गए, वो तो उसमें तो कई रीज़न हो सकते हैं, मगर हमें अब पीछे नहीं रहना है, क्योंकि और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इतने बेसिक लेवल पे जो है इस चीज़ को पकड़ा और इस कमज़ोरी को डायरेक्ट अटैक किया, और जो हमें ठीक है हम लोग बहुत ही बड़ी चुनौती भी हैं, इस तरह से हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही है, आज हम लोग समाज में बहुत ही एक उन्नत जो देश है, जो कि इस बिकमिंग अ वेरी बिग पावर लाइक यू सेड, उस तरह से देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सफाई नहीं रखेंगे चाहे वो अपने वातावरण की हो या अपने चरित्र की हो, हमें इज्जत नहीं मिलेगी, उन्नति चाहे मिल भी जाए तो हमारे लिए इज्जत भी उतनी ज़रूरी है जितनी की उन्नति। एक सवाल फिल्म से जुड़ा हुआ कि आपने जो लुक लिया है, हमने गॉडेस के अवतार में कभी आपको नहीं देखा, तो हाउ कितना कन्विंस करने की जरूरत पड़ी आपको, कितना आपके लिए कंफर्टेबल था, और जब आपने खुद को देखा इस तरह से तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरे लिए शुरू में तो थोड़ा सा एक अलग सा थॉट है इनका, और आप एक आई मीन जिस एनवायरमेंट में मैं पली बड़ी हूँ उसमें हमेशा ही हमने चाहे वो गॉडेस लक्ष्मी हो चाहे गॉडेस दुर्गा हो, उनकी हमेशा ही बहुत वर्शिप की है, बहुत ही साधना आराधना की है, तो उनके उस रूप को धारण करना मेरे लिए काफ़ी एक अलग सा अनकम्फर्टेबल सा एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा कि कलाकार होने के नाते हमारे लिए वो वही एक किरदार की कॉस्ट्यूम है, जैसा कि हम लोगों ने सब ने मिलकर मेहनत की है, तो उसको उस नज़र से देखना मेरे लिए एक अलग एक एक्सरसाइज थी, लेकिन वो की, और फिर जब मैंने अपने आप को देखा तो आई थिंक ये पूरा जो हमारा जितना भी टीम है उन्होंने मिलकर ये एक प्रदीप सर को उनका सबसे ज़्यादा जो भी है प्रेम जाता है वही लक्ष्मी जी का मुझे पल्लू ऐसे चाहिए, उनका मुझे क्राउन ऐसे चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। कंगना, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर किसी स्कूल में कितने दिनों के बाद आई है, आज कैसा लगा जब आपने देखा बच्चे नाटक कर रहे हैं और आप बैठ रही हैं, स्कूल का माहौल क्या कुछ याद है? आप लोग क्यों हंस रहे हैं, आप लोग बच्चे नहीं हैं? जब तक आप लोग पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चे ही होते हैं। हम बहुत ही सालों बाद आई हूँ, शायद किसी प्रमोशन के लिए गए हों कॉलेजेस में, लेकिन जितना अच्छे से ये लोग एक्ट कर रहे थे हमें याद है, हम लोग भी बचपन में करते थे, बचपन में छोटे होते थे, आपके इतने बड़े बच्चे नहीं थे, हम लोग जब करते थे हम लोग भी जवाब एक्टिंग करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग इतना साथ इतना अच्छा, और जिस तरह से आप लोगों ने म्यूजिक भी यूज़ किया है, जिस तरह से आपने किरदार यूज़ किया है, वेरी नाइस परफॉर्मेंसेज, और मैं फिर से उससे बहुत प्रभावित हूँ जो BNC के वो फिर उसके साथ जो वीडियो बनाया है, वेरी नाइसली लेट, वेरी नाइसली शॉट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। बाइक में
बैठ जाऊंगी, मैं बाइक में सवार होके जाऊंगी, ऐसा मतलब एक बिल्कुल अलग सोच है और एक अलग वीडियो है। मैंने मुझे पहले प्रदीप सर ने मैसेज आया था, तुम्हें बाइक चलानी आती है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आती। तो कहते ठीक है तुम्हें पीछे बिठाएंगे क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन करना कोई चलाते ही है। और मैंने कहा बाइक क्यों करानी, क्यों नहीं, अगर लक्ष्मी जी उनकी बस करा दी होनी चाहिए। तो कहते नहीं तुम्हें चेक नहीं करना है कहाँ पर डल दिए कहाँ नहीं। मैंने कहा राइट ठीक है, तो बाइक मुझे मस्त कन्वीनियंस है तो फ्रॉम लक्ष्मी जी। तो इन दिनों में ऐसा हो जाता है कि कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। बाइक पे बैठी है तो कुछ लोग जो आजकल बड़े संस्थाएं बनी है क्योंकि गॉड को बाइक में क्यों बैठा दिया, लक्ष्मी तो कमल में बैठती है। तब मतलब नहीं, वही मैंने कहा आपको कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि लक्ष्मी जी जो है वो जिस तरह से मैंने कहा कि वो स्मृति में है जहाँ पे सफाई है, तो उनको ये बाइक इसलिए ज्यादा कन्वीनियंस है बिकॉज ताकि वो हर हर जगह देख सके। तो आई थिंक दैट वाज द कॉन्सेप्ट। ये बाइक फरारी की हाली दे रखी थी तो वही कैपेबल दैट क्वालिटी बाइक थी। इट वाज नॉट अ बैड बाइक। कैन यू आल्सो प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव जस्ट वन क्वेश्चन प्लीज सो दैट अदर्स कैन कम। इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू। तो आप कहते हैं पहले इनिशियल डेज में अरविंद बॉम्ब से आपको सीखा है क्योंकि टैलेंट के बारे में आप वो और उस वक्त उन्होंने मुझे ट्रेन भी किया था एक्टिंग में, तो उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। कंगना और ईशा दोनों से हैं। पहले हम बात कर रहे हैं स्वच्छता मुहिम की, तो क्या ये सब्जेक्ट के रूप में सिलेबस में भी शामिल किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए? मोरल साइंस की बात करते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो क्या इसको सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए? और दूसरा कि हम सफाई की बात कर रहे हैं लेकिन सफाई कामगारों की जो स्थिति है उस पर ज्यादा बात नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए सफाई कामगारों? और कंगना दोनों से जो हमारे सब्जेक्ट है सिविक्स या मॉरल साइंस, हमको बचपन से क्लिनिकल उन सब्जेक्ट से सिखाया जाता है, लेकिन बात ऐसे है कि आपके भी बच्चे हैं, तो अगर बच्चा कुछ करता नहीं है एक बार बोलेंगे दो बार बोलेंगे तीन बार बोलेंगे, जब तक वो करता नहीं है तब तक हम बोलते जाएंगे, उसके बाद अच्छे मिलेंगे है ना, मान लेंगे, बट मेक श्योर कि वो बच्चा वो चीज़ करे। आजकल के बच्चे थोड़े अलग हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे सिस्टम में ऐसे कुछ रूल्स आ जाए जिसके वजह से, जैसे अभी बोला गया कि ओमकार ने कहा कि हम जब हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो एक डर सा रहता है कि अगर हम वो देश को लीडर करें वहाँ कुछ फेंकें तो फाइन आ जाएगा, फाइन या कोई रूल्स रेगुलेशंस। एजुकेशन, अगर ये एजुकेशन हर एक इंसान को, लड़की लड़का सबको लोअर से छोटे लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक अगर सबको मिले तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आएंगे हमारे देश में। जैसे आप कह रहे हैं हमारे वर्कर्स जो हैं, एजुकेशन इज़ अ मस्ट, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो सही नहीं कर रहे, क्योंकि आप अगर ये नहीं करोगे, आप अगर स्वच्छता बरकरार नहीं रखोगे तो लक्ष्मी, यस लक्ष्मी, लेकिन उससे पहले डिजीजेस हमारी जो हेल्थ है, मैं अभी 10-15 दिन उठना तो नहीं चाहिए लेकिन आउट ऑफ इंडिया शेड्यूल करेगी, जैसे मैं इंडिया बॉम्बे जब तक वहाँ थी मैं ठीक थी, ऐसे ही लैंड होगी ऐसा एक फीलिंग आता है इन दी एयर, जस्ट फील दैट पता नहीं वहाँ एयर इतना प्योर था, यहाँ इतना पोल्यूशन क्यों है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एट अ बेसिक लेवल। अगर सब लोग ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी चीज़ है कहाँ से शुरुआत करें तो वो कभी नहीं होगा और कहीं भी नहीं होगा। अगर सब ये सोचें कि ये होगा तो ये हर जगह से छोटे तरीके से ये हो सकता है। एंड आई एम श्योर आज नहीं
दो साल, पाँच साल, दस साल, पंद्रह साल वक्त लगेगा, लेकिन ये जरूर होगा। वर्कर से लेके मास्टर्स से लेके क्लासेस तक होगा और होना ही चाहिए इफ यू वांट टू सी योर कंट्री एज अ सुपर पावर। हम सभी को एग्जाम्पल जो है सेट करना पड़ेगा। बच्चों को नेचुरली भाषा बच्चे पढ़ाने से तो सीखते नहीं हैं, उनके सामने जैसा आप व्यवहार करेंगे वो आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। तो आई थिंक यही जिम्मेदारी सबको अपनानी पड़ेगी। Kangana, you referred to as the queen of Bollywood. You know, Bollywood to many is the city of dreams, the world of dreams. But there is also a dark, dirty side of Bollywood that comes to court time and again. Since you are on the topic of cleanliness, how much cleanliness do you think Bollywood needs? You know, because subjective there is absolutely no need, is it an extremely clean word? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें ऐसे किसी एक सोसाइटी को ऐसे सेग्रीगेट किया जा सकता है कि ये इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या एजुकेशन वर्ल्ड है या बॉलीवुड है, ऐसा नहीं है। अगर आपको वैसे सेग्रीगेशन चाहिए तो फिर पासपोर्ट लगेगा बॉलीवुड में आने का। तो ये बॉलीवुड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और जिस तरह से हर समाज में बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखते होंगे अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो ऐसी आपको लोकेलिटीज देखेंगे इंडिया में जो कि एक्सट्रीमली क्लीन है, जहाँ पे बहुत अच्छे साफ रहने वाले सुथरे, मैं सिर्फ लग्जरी की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे भी कुछ गाँव हैं, विलेजेस हैं जहाँ पर बहुत सफाई लोग रहते हैं। और ऐसी भी जगहें हैं चाहे वो कितने भी महंगे बिल्डिंग्स हो, कितनी गंदगी डाल के रखते हैं, द सेम वे इन बॉलीवुड ऑल्सो दे आर वेरी नाइस पीपल एंड देयर आर पीपल हु आर नॉट दैट नाइस। जस्ट अ रिक्वेस्ट, लास्ट टू क्वेश्चंस प्लीज। एक विश चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से, विशिंग है कि आप 100% के लिए विशिंग इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। Yeah, for the cameras. Your wish and what does freedom mean to you? If you could just elaborate on it. I think we should all sit together. Wishing you a very happy Independence Day. Jai Hind. Can you please have someone not ask a question? Yeah, I'm going to ask a question. वहाँ पे जो जिस तरह का माहौल था मेरे घर में, इतना पूरे घर की इतना घस घस के सफाई करते हैं हर वीकेंड पे और उसका सारा कचरा घर के बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह से मेरे पापा जब हमने शुरू में एक चैप्टर पढ़ा था, मैं 8-9 साल की थी, कि कैसे जो गंदगी गंदगी बाहर फेंकता है वो बेसिकली गंदा इंसान होता है। तो आई वॉज वेरी अफेक्टेड विद दैट थिंग। फिर आई रिमेंबर कि एक बार मेरे पापा गाड़ी साफ कर रहे थे तो उन्होंने सारे चिप्स के पैकेट गाड़ी से बाहर निकाल के वो जितने कार्पेट्स को साफ कर रहे थे। सो ऑब्वियसली मुझे लगा कि किताबों में लिखी हुई बातें तो एकदम बकवास है, क्योंकि पापा तो इतना ईजिली गाड़ी को साफ कर दिए। और फिर मैंने सोचा नहीं कि बाहर व्हाट हैपेंड टू द एनवायरनमेंट। सो आई ग्रू अप इन दैट एनवायरनमेंट, बट जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोइंग अप मेरी आदतें और ख़राब हो गई। आई वॉज वेरी लेजी और मुझे नहाने से बिल्कुल नफरत थी। और जब भी मेरे नहाने की टर्न होती थी आई यूज टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली, कोई वो टर्न ले लो। एंड आई बिकेम क्वाइट अ स्लॉग एंड लाइक आई सेड नथिंग गुड हैपेंस टू मी लाइक फैमिली। और उसके बाद जैसे जैसे मैं मेरा इंटरेस्ट चेंज हुए और जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा योग में इंटरेस्ट लिया और मैंने वेदांता की स्टडी की और मैंने बहुत ज़्यादा
बाबा स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया, तो उसमें जब भी मैंने एक चीज जो सबसे पहले अपनाई वो कि मैं कैसे अपनी एनर्जीज को कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करूँ और उसमें क्या क्या कमियाँ हैं जिनको मैं सुधार सकती हूँ, तो वो सबसे पहला उसके कई लेवल होते हैं, जैसे कि एक आपका एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल क्लीनलीनेस होती है ना। तो व्हेन आई स्टार्टेड विद यू नो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, जैसा कि मिस्टर बच्चन ने कहा कि जहाँ सफाई होती है वहाँ पर स्मृति होती है, तो आई थिंक वो एक बेसिक एक्सरसाइज जब मैंने अपनाई तो मेरी जिंदगी की चीज़ें चेंज होने लगी। अब और जिस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट पे काम करते हैं उसी तरह से आप अपने अपनी आदतों पे काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यू नो कैसे आप रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, किस तरह से चीज़ें ना फेंके, किस तरह से अपने उससे आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका खुद का एनवायरनमेंट कैसे बदलने लगता है, आपके खुद की चीज़ों में कैसे फर्क आता है। और जैसा कि हमने फिल्म में दिखाया कि डोंट लेट इट गो, आपको खुद देखेंगे आप कि आप जिस तरह से सफाई रखते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने थॉट्स को, अपने स्पिरिट को जिस तरह से आप अच्छी एनर्जी रखते हैं, अपलिफ्टेड रखते हैं, तो आपकी चीज़ें भी उसी तरह से अच्छी होती जाएंगी। तो आप इस चीज़ को अपना के देखिए और मुझे पता है कि सभी को ये कलेक्टिवली you know that universal, that soul that you know we all have running in us, that energy, so we have to sort of you know see earth as a part of us, and then earth will see it as a part of us, you know, us as its extension. So let's adapt to that attitude. I know it sounds very philosophical, but to you know make it really to simplify it, just don't let her go. Just keep your environment clean and just be happy and you know. Yeah, don't let her go. She has to go. But the last question. Are you on a team? First of all, congratulations and thank you for being part of this initiative. I'm Haldeep Kapoor from India today. Since this is the last question, with your permission, I'd like to diverge a little. Our athletes are in Olympics and there's been a controversy that's been created by author Shobha Ray's next week. Since you played the national athlete in your last blockbuster, Tanu Vex Manu Returns, I'd like to know your comments on the same. What was the tweet, she has said that Team India ka goal hai, Rio jana hai, selfies leke aana hai, selfies lo, and khali aap wapis aao. What a waste of money and opportunity. I'd like to know if you think it was, what are your comments on the same now? This is very disturbing thing to say to people who are representing us. And it can be one's own very personal opinion, but to sort of express, you know, being such a credible author and such a powerful woman whom people look up to, for someone like that to display such a disheartening and sort of despair over country's spirit is not a good news, for sure. I hope our athletes don't get disheartened. And we need to do our best. Yeah? Thank you guys. Thank you, ladies and gentlemen. If you like this video, give it a thumbs up. And for more such Bollywood updates, subscribe now to Bollywood Chatterbox.